और सतीश सर जी, कोई हाँ प्रॉब्लम सर टेक्निकल एनालिसिस में अभी तक? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कैसा रहा क्लास क्लास आपका अभी से लेकर अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर? बहुत अच्छा रहा सर। आप लोग रिव्यू दो यार, थोड़ा हमको भी मोटिवेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जो रियल है वो मुझे बताना। आप लोग देखो ये, अब ये नहीं कि जो मुझे रियल ये मत, क्या राकेश सर क्या बोल रहे हैं अभी से, रियल बताओ, इसे मुझे और भी अपग्रेड करना है तो मुझे बताओ। जी रियल नहीं यही है यार, सर, सब ठीक जैसा है, कि आप आप सिखा बहुत रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में बता लोग रहे हैं, सिखा ही नहीं सकते। आप बहुत लोग क्या है ना सिंपल कि आप लोग क्लास और भी कहीं लिए होंगे मुझे पता है, तो उसमें मुझमें कंपेयर कीजिए। देखो जो सच्चाई है ना मेरा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, सही हूँ तो सही हूँ। ये नहीं कि मेरे क्लास कर रहे हैं तो आप बोलेंगे संजीव सर आप बेस्ट हो, फिर बाद में बोलोगे अच्छा नहीं पढ़ाता, वो मुझे सुनना नहीं है। जो भी बोलना है सामने में बोलो, मेरे सामने में। नहीं, अभी मैंने क्लास घनश्याम सर का लिया था। जैसा कि आप समझाते हैं, हर बात को सुनते समझते सब बताते हैं, वैसा घनश्याम सर बताते हैं लेकिन सीधा बता देते, उसमें वो नहीं है कि बाद में समझाए। अगर कोई चीज आपसे पूछे तो आप उसको बढ़िया से समझाते हैं सर आप। हाँ, पूरा डिटेल में बताते हैं, एक एक चीज को आराम आराम से बताते हैं, पूरा पूरा समझ जाओ देसी स्टाइल में। वो भी कभी कभी देसी स्टाइल में बताते हैं और मजा आता है। मैंने भी लिया था तो सिंपल सिंपल बात बता रहे थे, कुछ नहीं बोलते थे, तुम हार्ड का चक्कर में पड़ते हो, कुछ नहीं सिंपल रखो। हाँ सही बोलते है, हैं वो तो है। मार्केट जीत जाता है, तुम लोग बोलते हैं कि मार्केट से मेरे से पहले मूव छूट जाता है, तो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, अगला वाला ट्राई करो। मार्केट में बार बार मौका मिलता रहता है। मैं उसका कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि वो गुरु है, मेरा भी गुरु है, तो उसका अलग है, उससे कंपेयर नहीं कर रहा मैं अपने आप को, लेकिन है कि आगे जाऊंगा उससे आगे और भी आगे। जी सर, बिल्कुल। तो है अभी जो अभी उतना बड़ा लेवल पोस्ट पर नहीं हो, वो भी आज से नहीं, 2007 से मार्केट में है। मैं तो अभी दो तीन तीन साल हुआ मुझे, तो 2007 से तो मैं तो पिछले 4 साल 5 साल में कहाँ रहूंगा मुझे खुद नहीं पता है। शायद लग रहा है कि खुद का क्या बोलते हैं अपना जेट रहेगा। हाँ वाह वाह सर वाह, राकेश सर कुछ रिव्यू दो, आप लोग जो रिव्यू दे यार, राकेश सर क्या रिव्यू देंगे आप? आप भी क्लास लिए हैं, सबसे वन बाय मैं सर रही बहुत क्लास है। लिए जी, जो आपने सिखाया ना सर, हाँ जो आप बताते हैं एक एक पॉइंट सर दिमाग में बैठ जाता है। यानी समझ लो अगर एक बार वीडियो आपकी देख लें, फिर वो समझ लो प्रैक्टिस हो चुका भाई, प्रैक्टिस करना रहता है भाई, टेस्ट। अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। जी आप लोग भी जी कोर्स आपके कहीं लिए होंगे? बताने का स्टाइल ही कुछ अलग है सर। जी अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। जी आप लोग कहीं कोर्स तो लिए होंगे ना राकेश जी? कोर्स हमने वही जो घनश्याम सर का था वही कोर्स लिए थे सर, और कोई कोर्स नहीं लिए। तो घनश्याम सर से तो मैं जी कंपेयर कर ही नहीं सकता, ये तो गुरु जी है। और मैंने कहीं और ट्राई किया ही नहीं सर, फिर आपसे क्या बोलते तो कोर्स लिया आपका सर। हाँ उसका तो अलग ही रुतबा है, उसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को। अगर दूसरा ट्रेडर रहे तो उसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो वो भी मेरा गुरु है। जी सर, अभी से एक अभी कोर्स लिए ना, मुझे पता है क्या रिजल्ट है, कहीं दूसरे कोर्स का मेरे क्लास का कुछ भी कर दे, जो भी बोलना भाई रियल बोलना, मुझे जिससे मुझे एक्चुअल में लगे। क्या पता और भी हो तो मैं और भी अपडेट करूंगा, और भी मेहनत करूंगा। लगा बहुत अच्छा लगा आपका पढ़ाने का, समझाने का स्टाइल जो है वो बहुत इजी है, इतना इजी है कि 5 साल का बच्चा भी सीख जाएगा। हाँ तो वो हाँ, ये बाद में ये नहीं पता चला अभी कि बात सच्ची में कुछ नहीं किया था पढ़ा। ना, उसमें बता रहे थे एनी बॉडी कैन ट्रेड, इसमें छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा का दिखा रहे थे, ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहा था। अच्छा, हेलो, हाँ लिया था सर ऑनलाइन, अभी आपके क्लास से पहले लिया था। सुधाकर जी, हाँ बोले सर। हाँ तो ऑनलाइन कभी नहीं का क्लास किया, मैं फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन किया था आपके पहले, 1 महीने का था। उनके बैच में 600 लोग थे, ओह माय गॉड, तो उनको वो बोलते थे क्या, तो हमने पूछा अभी सर समझ में नहीं आया, तो बोलते आपका ध्यान किधर था, आपका ध्यान नहीं था, आपके वजह से 600 लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका सब ध्यान से जा रहा है।
और आगे का कोई क्वेश्चन पूछा या पीछे का, तो पिछले क्लास में सिखाया था, अभी कौन सा क्लास चल रहा है, आपको किसने बोला था, तो लिखा ना, मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बहुत बहुत। इसे क्या हुआ, जो सीखने का था ना वो नहीं सीखा, क्योंकि उनका जो प्रेशर था और ज्यादा बात किया, मतलब ऐसा आपसे सीधा तो बात नहीं कर सकता था, जो जो है टाइप करके और खाली स्क्रीनशॉट निकालने का, वो कोई स्टडी नहीं देते थे, वो हाँ सीखो या न सीखो उनको कोई जरूरत नहीं थी, मगर मतलब उनका नहीं, सिखाने का स्टाइल अलग था, वो FIDI की तरह सिखाते, मगर मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं। मैंने ऐसा सोच रहा था कि ऑनलाइन करो या नहीं, आपका जो मैसेज था, तो मैंने रात को 11 बजे आपको पैसे भेजे, देखा डेरिंग करके क्या होता है, क्योंकि ऑनलाइन पे मेरा भरोसा उड़ गया था पूरा। नहीं तो हाँ उनको बात किया ना ऐसा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप बात बताओ, तो डायरेक्टली वो इससे ही निकाल देते, क्लास से ही निकाल देते थे। तो हाँ आपका और इन बहुत लोगों का कंपेयर किया ना, तो आप 100 मार्क से भी ज्यादा है इसे। मेरा तो आपका क्लास करने से कम 50% के ज्यादा पैसा बच गया है, जितना मैं रोज लॉस करता था उसमें कम से कम 50। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से राह देख रहा था कि मेरे को कोई तो मिलेगा सिखाने के लिए जो मुझे समझ में आता है, और वो आपसे ही सीख गया हो। और उस दिन से मैंने एक ही वीडियो किसी का ही नहीं देखा, उसका तो अभी नहीं देखा, उसका सब डिलीट मार के दिया, उसको मैं टेलीग्राम से निकाल दिया, क्योंकि साइकोलॉजी आपने मेरा सुधारा है, तो मैं दूसरों का क्यों देख के फिर से साइकोलॉजी बिगड़ दूँ मेरा। सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं पेपर ट्रेडिंग अभी कर रहा हूँ, आपसे बताया करता हूँ, मेरा दर दिन का कम से कम 400 300 500 तो किधर भी नहीं गया, खाली दिन दिन में इतना 2 3 ट्रेड करता हूँ, और साइडवेज में सिर्फ फंस जाता हूँ। अभी वो समझ में आ रहा है कि उधर कोई तो ट्रायंगल पैटर्न बढ़ रहा है साइडवेज में, वो देखना चाहिए, क्योंकि आप हम क्या कर कपोर रहे हैं? रोटेशन पे कर रहे हैं। हाँ सही बात है। हाँ तो हाँ, अभी जो आपने ट्रायंगल जो पैटर्न सिखाया है ना सभी, वो सब साइडवेज मार्केट में ही बनते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है अभी, ये हाँ सही सोच बात रहा है, हूँ आज मैं। तो बिल्कुल सही बात है, आज भी बना सर। मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि साइडवेज मार्केट में काम कैसे करें, एक तो अपने पास सेलिंग के लिए इतना पैसा नहीं है, अभी समझ में आ रहा है आज से, कोई तो पैटर्न बनता है साइडवेज में, तो उसका राह देखना यही अच्छा काम है अपना, और आपसे सीख के मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया बात है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आप गजब का। हाँ क्योंकि बाकी लोग बोलने भी नहीं देते, आप इतना बोलने देते, सभी से पूछते, वो खुशी से नहीं पूछते, सीखो या नहीं सीखो, 10,000 फी लिया था मेरा, सही तुम बात है, मेरे से मेहरबान की किया क्या, ऐसा बोलते थे ऊपर से, आपको सीखना है तो समझ ले लो, क्या करने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मुझे मिला तो मैं कैसा सीखूंगा, सीधी सही बात है, सी बिल्कुल। बात है ना। तो ठीक है, थैंक यू। रेटिंग क्या देंगे आप लोग? रेटिंग दीजिए स्कूल में, उससे उसमें मेरा कंपेयर कीजिए, उसका उसका पढ़ाने का तरीका मेरे पढ़ाने के तरीका में क्या कंपेयर है? आपसे कंपेयर करने से बोले तो उनको कोई 0 भी नहीं दे सकता, 0 से भी नीचे नहीं, नहीं तो उसको भी वो नंबर दे सकता था मैं। सही सच सर, में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत परेशान में हो कुछ के बात बात अलग है भाई, भाई सर में कुछ बात अलग है। अलग है, मगर खाली बात नहीं, वो साइकोलॉजी है ना, वो कम वही दिनों में उन्होंने सबका सेटअप कर दिया, सबसे अच्छा किया है चीज, उन्होंने। हाँ चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत बहुत खुश है। राकेश सर क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप? चलिए जी, 5 स्टार रेटिंग देना चाहेंगे सर। बढ़िया, अभिषेक रियल बोलना भाई। हेलो सर, हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलो। 10 to 9 सर। चलो बढ़िया, राकेश सर, राकेश भारती सर।
हाँ सर, तो सभी ने मेरा फीडबैक तो दे ही दिया है, ठीक है। मुझे जो बोलना था वो सभी ने बता दिया है यहाँ पे, और मैं सभी की तरफ सहमत हूँ कि आपका पढ़ाने का जो स्टाइल था वो काफ़ी डिफरेंट था, मतलब अभी 2 महीने में डिफरेंट रहा है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, ठीक है सर। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं और जितने भी लोग आपके वीडियो देखेंगे तो सभी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मेरा एक पर्सनल जो मैंने आपसे सीखा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे बाकी उन्होंने कहा कि सर आप क्वेश्चन आप पूछते हैं, आप बोलने को प्रेरित करते हैं, हमारे क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पे भी आप शॉर्ट भी कभी कभी बना देते हैं, यूट्यूब पे आप एनालिसिस भी करते हैं, आप टेलीग्राम में भी एक्टिव है, आप ग्रुप में भी एक्टिव है। तो एक ट्रेडर बनने के लिए कितना डेडिकेशन लगता है वो आपसे सीखने के लिए हमें प्रेरित करता है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा, ठीक है। इसलिए खाली प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह का डेडिकेशन दिखाए हैं अपने एक्सपीरियंस में, हमें लगता है कि हमें सभी को आपसे सीखना चाहिए कि किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। अभिषेक जी, खास करके आपसे, क्यों आपसे मेरी बात हुई थी, हाँ हाँ आप भाई, जिस पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा हूँ वो आप, ये आंसर आपके लिए है और मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है, बाकियों के लिए भी है यस ना। तो कितना, किस लेवल का डेडिकेशन, आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे सर यस एक्टिव हैं। और अभी अभी सर ने भी बताया कि 11 बजे पे मैंने आपको पेमेंट किया, तब भी आप एक्टिव थे, आपने मुझे प्रेरित किया, आपने मुझे मेरे क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो ये सारे चीजें किस लेवल का डेडिकेशन लगता है ट्रेडर बनने के लिए, सिर्फ सीख लेना, हाँ मुंडी हिला देना, हाँ समझ गया सर और प्रैक्टिस भी कर लिया सर, लेकिन उसके बाद क्या? तो हम सबको ये सीखना पड़ेगा भैया कि एक अलग ही लेवल पे जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तब जाके हम लोग प्रो ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। प्रो ट्रेडर तो बहुत दूर की बात है। देखिए मैं एक चीज और बोलूंगा, मुझे पता नहीं आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, 3 साढ़े 3 4 लाख जो भी है दुबई में या जो भी है, लेकिन मैं आज एक वीडियो देख रहा था, ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है लेकिन ये एक चैनल है, चैनल पे भी मीडिया उसको कवर कर रहा था कि किस तरीके से फिन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, बहुत सारे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं और वो अपना मोटा पैसा तो दबा रहे हैं, ठीक है, मतलब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जो ऑडियंस को जो मिलना चाहिए ना वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है। तो सर ने जैसे बताया कि मैं किसी ट्रेनिंग में गया और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया कि वहाँ लोगों को पूछने नहीं दिया जाता है या उनको ह्यूमिलेट किया जाता है 600 लोगों के सामने और उनको क्लास के बाहर भी कर दिया जाता है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, कौन करता है भाई? अरे कोई नहीं सीख रहा तो नहीं सीख रहा, पैसे आपको समझना पड़ेगा कि कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिला तो जाओ बाहर क्लास के बाद खड़े हो जाओ, ठीक है। आप पैसे दे के आया हो, अब सीखना नहीं सीखना आगे वाले के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। लेकिन क्या ट्रेनर अपने दिल से, अपने समझ से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सिखा पा रहा है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ह्यूमिलेट करना कि मैं दिखा रहा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को बाहर निकाल देता हूँ, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, मैं लोगों को बाहर कर देता हूँ, ऐसा ये कौन करता है भाई? चलो आज तो उनकी दाल गल रही है, आज तो करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन कल जब दाल गलनी बंद हो जाएगी ना तब क्या करोगे? जैसे बाप ऑफ चार्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ या पिया सुंदर का, पिया सुंदर को मैं सुनता था लेकिन जब से संदीप सर के पास आया तो मैं पिया सुंदर बाकी मैं किसी को सुनता ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता। क्यों? जिस दिन मेरे दिमाग में कोई भी सवाल उठता ना मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके आसपास का वीडियो सर यूट्यूब में डाल देते हैं, तो मैं जाके वही देखता हूँ, तो मुझे मेरे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। जैसे अभी मैंने आज सुना था कि साइकोलॉजी कैसे इम्प्रूव किया मैंने, तो सही में लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है, क्या मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं इसको अपनी लाइफ में इंकलकेट कर सकता हूँ, क्या अपनी लाइफ में मैं इसको अपना सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो अब मैं फ्रेंकली मैं अपने आप के बारे में बात करूँ, मैं किसी भी और यूट्यूबर के पास या कोई भी इन्फ्लुएंसर के पास कुछ दिखने ही नहीं गया 2 महीने से। उससे पहले मैं जरूर दिखता था घनश्याम को और
उनका पावर ऑफ स्टॉक को, ये दो को फॉलो करता था। लेकिन मैं सर के पास आने के बाद इन दोनों का भी मुझे आता पता नहीं है क्या हो रहा है इनके जिनकी जीवन में, ठीक है, ये कहाँ तक पहुंचे कहाँ तक नहीं पहुंचे, ये क्या सिखा रहे मुझे पता ही नहीं है। लेकिन संजीव सर के जो ट्रेनिंग है ना, मुझे इतना सारा नॉलेज डाउनलोड हो गया है कि अब मैं सोच में पड़ गया हूँ कि भाई क्या चीजें प्रैक्टिस करें, किस लेवल पे करें, मतलब कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वो बैठ के अभी बना रहा हूँ कि भैया इतना सारा डाउनलोड तो कर दिया, अभी इस नॉलेज का हम करें क्या, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलने के लिए भी नहीं आया हूँ, ठीक है। तो जो मेरे को डाउनलोड किया गया ना, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, इसलिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही रेलिवेंट है, ये कोई बकवास नहीं है, बट ये रेलिवेंट है, रेलिवेंट इन सेंस इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली में घटित हुआ है, ऐसा नहीं किसी ने कहीं स्क्रीन शॉट ले लिया तो चिपका दिया। मैं भी जाके देखते रहता हूँ कि भाई क्या बना है कि नहीं बना, कहाँ बना है देखता हूँ। जैसे रिलायंस का भी दिखा रहे थे, TCS का दिखा रहे थे, मैं जाके देख रहा था, ठीक है। इसलिए मैं शायद मैं थोड़ा सा बीच में बोल नहीं पाया। तो आप लोगों को भी ये समझना होगा कि नॉलेज तो दे दिया, अब उसका क्या करेंगे भाई, हम कितना प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बहाने बहुत मिल जाएंगे जीवन में, ठीक है, कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम। तो मैं आपको इंक्लूडिंग अभिषेक जी, ठीक है, एक गौर सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जी संजीव सर से ही सीखा है मैंने ये, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, संजीव सर से ही रिलेटेड और उनसे सीखा हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जीवन में बहाने तो बहुत मिलेंगे दोस्तों। एक कि मैं ट्रेडर नहीं बन पाया, ठीक है, कि जी पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास बिजली नहीं थी, मेरे पास इंटरनेट था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे पास काम था, मेरे भाई बहाने तो बहुत है मेरा भाई, ठीक है। लेकिन उन बहानों को आप कागज में लिखिए कि क्या चीजें मुझे रोक रही है ट्रेडर बनने के लिए। प्रो तो बहुत दूर की बात है, प्रो का नाम भी मत लीजिए, ठीक है। क्या चीजें मुझे किताब में लिखी है, डायरी में लिखी है, क्या चीजें मुझे रोक रही है, और उन चीजों का आप आंसर ढूंढिए वाई के माध्यम से। पहले तो मुझे ट्रेडर क्यों बनना है, समझे बात को, तो अरे मैं किस लिए बनना है, मुझे है कि पैसे कमाने के लिए बनना है, कि शो ऑफ करना है, कि मैं ऐसा दिखाना है कि मैं स्टड हूँ, देखो भाई साहब मेरे को सब कुछ आता है, कि किस लिए, नॉलेज के लिए, या क्या बोलते हैं मन की शांति के लिए, या दिल की शांति के लिए, इसलिए चाहिए आपको ये ट्रेडर बनना है। और देखिए क्या क्या चीजें आपको रोकती हैं, और उन चीजों का वाई के माध्यम से आंसर ढूंढिए, और सोल्यूशन जब मिलेगा, अब मिलेगा, आज नहीं कल तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज ही चाहिए मुझे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या कल ही चाहिए मुझे, नहीं, 2 4 दिन या हफ्ता दिन दीजिए, देखिए अपने आप आंसर वाई मिल जाएगा, आप धीरे धीरे करते करते अपना भी प्रोडक्ट बन जाए। और प्रैक्टिस रही प्रैक्टिस की बात, तो दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालिए, सुबह निकालिए, शाम निकालिए, या आप जो घंटे सोते हैं उसमें से 1 घंटा कम कर दीजिए, वहां से 1 घंटा निकालिए, वहां से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस का सारा खेल है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है थोड़ा समझने वाली बात, साइकोलॉजी जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग के अंदर एक ग्रे मैटर बनता है, ठीक है। तो एक बुक का मैंने व्हाट्सएप भेजा हूँ फोटो खींच हाँ के, भेजें। अभी हाँ से पढ़े होंगे हाँ ना, आप पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, अगर आप हाँ अपने आपका फोकस जो है वो ट्रेडिंग की तरफ रखेंगे तो आप ट्रेडर बन जाएंगे। और ट्रेडर जो जो आप और हम सब हैं, इनसे बात करेंगे, अपने क्वेश्चन पुट डाउन करेंगे, या आप अपने जो क्वेरी है वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप धीरे धीरे करते करते आपके जो सर है ना, हेड, उसके अंदर एक ग्रे मैटर बनता है, ठीक है। अगर आप ब्रेन का जो उसको पूछेंगे ना, तो हर बच्चे के अंदर एक न्यूरो इसको बोलते हैं न्यूरो, क्या बोलते हैं, केमिकल बनता है, ठीक है। तो वो केमिकल क्या है, आप जो भी इनपुट डालते हैं इस दिमाग के अंदर, वो ही आउटपुट निकल के आता है और मैटर बनता है आपका दिमाग, वो ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड एक होता है ना, तो जो आप हाँ, सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि आप जंगल में रहेंगे तो जंगली बन जाएंगे, शहर में रहेंगे तो शहरी बन जाएंगे, और ट्रेडर लोगों के बीच में रहेंगे तो ट्रेडर बन जाएंगे। आप समझ,
ये समझने का माहौल के हिसाब से प्रॉब्लम रहो, है। मैं माहौल के अगर हिसाब ठीक से रहो, उस माहौल में रहो, ऐसे बन है जाओगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आप अपना डायरी उठाइए, लिखिए वाय, हर प्रॉब्लम के पीछे वाय होना चाहिए। क्यों, क्या चीज़ में रोकती वाय, मैं क्यों टेढ़ा बनना चाहता हूँ वाय। और आप ढूंढिए, आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर का, यहाँ तक आपने काफ़ी सारा नॉलेज दिया, काफ़ी सारा हमारे क्वेरीज के हमारे क्वेरीज रिजोल्व करी, कितने सारे सवाल मैंने पूछे होंगे आपसे, आपने बहुत ही शांति से बहुत ही अच्छे से उसको आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही हम आपसे सहयोग आने वाले 4 महीने के लिए वो हम सहयोग मांगते हैं आपसे, कि आप इसी तरह से हम लोग को ट्रेनिंग देते रहिए, इसी तरह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, इसी तरह से आप हमें प्रेरित करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेरणा इंस्पिरेशन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, डिज़ायर तो है ही, लेकिन एस्पिरेशन लेना किसी से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिव्यू था आप लोगों का। फिर हम लोग टेक्निकल आप खत्म हो गया ऑलमोस्ट, कल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ। इसके बाद हम लोग ड्रैग ऑफ से होगा, तो फंडामेंटल आप लोग बोलेंगे, फंडामेंटल फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ऑप्शन बैंक से स्टार्ट करेंगे, डिपेंड आप पे, आप लोग जो मुझे बताना। फंडामेंटल तो फंडामेंटल का क्लास 4 दिन रहेगा, 4 से 5 दिन स्टार्ट रहेगा फंडामेंटल। हाँ हाँ, तो फंडामेंटल फंडामेंटल हम लोग कल से पहले वो फंडामेंटल हो जाए। चलिए, फिर अगेन मिलते हैं हम लोग कल, बाय, टेक केयर। फिर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं मीटिंग को। बहुत अच्छा रिव्यू था, बहुत अच्छा। भाई, ठीक है, ये टेब वाला, हाँ, ये आपका ये वाला वाला इसमें मेरा क्या करना पता था नहीं कि क्या हो हाँ, गया। मैं बता दूँ, कौन सा एप्लीकेशन था, आप स्टॉक है कि कौन सा है? क्या नहीं, धान है, धान। जब मैं ये ध्यान? क्रोम में ओपन करता हूँ ना, तो क्रोम को जब विंडो क्लोज करता हूँ, तो जो 3-4 टैब ओपन रहता है, वो फिर से खत्म हो जाता है पूरा। उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। उसमें मुझे पता, जैसे मैं ओपन स्टॉक में यूज कर रहा हूँ तो कैसे करता हूँ, जैसे ये है, जैसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ट्रेन लाइन में सब हाँ कुछ, बताओ, थोड़ा तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे सेव वाला बटन आपको आता है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। रुके रुके मैं